हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। हम लोग सभी बहुत अच्छे हैं, ठीक है सब। और मेरे फ़ोन में जो कुछ यादें हैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली गोलू का जनेऊ जब हुआ था तो हम लोग बिहार गए थे, बिहार में, और मिथिला कल्चर, मिथिला रिचुअल के हिसाब से सारा कुछ हुआ था, वही चीज़ें शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उस रात का है जब हम लोग पहुँचे थे, और मेरी सासू माँ है ये किचन में, और मम्मी पापा यानी नाना नानी जी हैं, सभी गए थे। हम एक बस समझ लीजिए, जब हम मधुबनी पहुँचे थे तो पूरा बस भर गया था जो मम्मी ने भेजा था मेरी सासू माँ ने लाने के लिए। इतने सारे लोग थे, आप ये देख लीजिए, सभी गए थे। मामी जी जाते ही बीमार हो गई थी, तो मामी जी का ये पिक देख लीजिए। और मेरी मदर इन लॉ ने सब कुछ खाना पीना बनाया था। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जब बच्चे कहते हैं ना कि गांव जाते हैं और बच्चे घूमने चले जाते हैं बाग में, खलिहान में, अपने खेतों में, तो उस टाइम का है। और ये यश है, और यश, साक्षी और मामी, बहुत सारे लोग जैसे मौसी, गोलू, सभी चले गए थे आम के बगीचे में देखने और थोड़ा सा इंजॉय करने। और ये सुबह सुबह 5 बजे की पिक है। और इसका जो जनेऊ हुआ था ना, बिल्कुल 5 फरवरी को जनेऊ था, बहुत ज़्यादा ठंड थी और उस टाइम पे देख लीजिए, ये ठंड का ही है। तो आप लोग इंजॉय करिएगा, ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जहाँ पर वीडियो है मैं वीडियो शेयर करूँगी, और जहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेरे पास पिक्स अवेलेबल है तो मैं वो पिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो में। देखिए आज जो है वो है बसपट्टी का दिन। पहले दिन में क्या होता है, बांस काटा जाता है। गोलू देखिएगा अभी थोड़ी देर बाद जाएगा और वहाँ पे बांस में थप्पा लगाएगा, जो चावल का पिठार होता है उससे, और उस वही चावल का पिठार से थप्पा लगाने के बाद वही सारे बांस काट के आएगा आंगन। और बांस कटे हुए से ही मंडप बनाया जाता है जिसपे कि आगे जाके 3-4 दिन बाद जनेऊ होगा। तो आप लोग ये देखते रहिए, यहाँ पे फोटो सेशन वगैरह चल रहा है। और बाहर दलान पे सारे बूढ़े बुजुर्ग, आस पड़ोस के भाई लोग सभी आए हुए थे, मेरे देवर के दोस्त वगैरह, और बाबूजी के जो भैयारी हुए थे वो भी, और आपके अंकल जी के बड़े भैया ये बीच में खड़े थे, यानी कि मेरे भैंसुर होते हैं जेठ। वो गोलू का भी फ़ोटो सेशन चल रहा था, देख रहे हैं। ये सारी ना फ़ोटोज़ वगैरह सब यादें रह जाएंगी कि कैसे ही उस टाइम पे इतनी ठंड थी और लोग अपना सारा काम धंधा छोड़ के आते थे हकार पूरा करने, यानी हकार दिया जाता है पूरे गांव में, जिन जिन के घर हकार जाता है वो आते हैं फंक्शन अटेंड करने। तो सभी आए थे, लेडीज़ अंदर बैठी थी और जेंट्स लोग सारे दलान पे बैठे थे। उसके बाद निकलते हैं हम लोग बांस में थप्पा देने, बांस में थप्पा देते हैं तो गीत गाते हुए ये जा रहे हैं। गोलू को ढका हुआ है गोलू का सर, गोलू की दादी ने, मेरी सासू माँ ने ढका हुआ है, और बीच बीच में फ़ोटो सेशन तो चलता ही रहता है। पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं, चक्कर नहीं लगाते, जो रास्ता होता है उसी रास्ते से जाते हैं, अपने बांस में जाते हैं, जो हमारा बांस होगा ना, जो हम लोगों का खानदान का बांस है उसी में जाते हैं, उसमें ठप्पा वगैरह लगाएगा गोलू, और फिर वही काट के लाया जाएगा और मंडप बनाया जाएगा जिसपे इसका जनेऊ होगा।
और यहाँ पर जो है ये देखिए फ़ोटो सेशन वगैरह चल रहा है। गांव जाती हूँ तो मेरा भी एकदम सर पे पल्ला वल्ला रहता है, घूंघट ही है हम लोगों के इधर अभी भी बहुत ज़्यादा। बच्चे हो जाए, दामाद हो जाए, नाती पोते हो जाए, बट अभी भी अगर मैं गांव जाऊंगी तो ऐसे ही घूंघट रहेगा ही। है थोड़ा सा हमारा कल्चर ऐसा है, हालांकि किसी किसी गांव में ये सब उठ गया है, अब नहीं कोई लगाता है घूंघट, बट हमारे इधर अभी ये सब है। मामी जी और मौसी भी बहुत प्यारी लग रही थी, छोटी मामी नहीं थी इस टाइम पे, तो थोड़ा सा लग रहा है कि छोटी मम्मी का है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट अभी तो शादी भी नहीं हुई थी इस टाइम तक। बाकी केशव कार्तिक को देखिए कितने ही छोटे लग रहे हैं। गोलू मेरा बहुत पतला था क्योंकि एनसीसी में था और इतना थकता था ना कि क्या ही बताए। एनी को देख लीजिए, प्रथम को देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और अब तो सब बड़े हो गए। और ये जो यश है ना, ये गोलू का समझ लीजिए जिगरी दोस्त है, और क्लासमेट बोलिए या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड बोलिए, ये वो है। गोलू के साथ ये क्रीम कलर के सूट में तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि कौन है। और यहाँ पर ये अपनी बड़ी दादी के साथ फ़ोटो खिंचा रहा है गोलू, जो मेरी काकी माँ है, काकी सासूमा, उनके साथ सारी लेडीज़ हैं यहाँ पे। मेरी मदर इन लॉ भी हैं, और ये देखिए बड़े पापा के साथ फ़ोटो खिंचा रहा है, ये एक बाबा हैं उनके साथ खिंचा रहा है, नानी के साथ खिंचा रहा है। तो ये सारी ना यादें ही रह जाती हैं। ये मेरे जो राइट साइड में है मेरे देवर के दोस्त हैं प्रजा मुनि, उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, यादें हैं। फिर आ जाते हैं हम घर की तरफ, तो रास्ते में ना थोड़ा सा पीछे चल रही थी मैं, तो थोड़ा रुक के फ़ोटो खिंचवाती हूँ कि चलो अच्छा लगता है। यही सारी यादें रह जाती हैं, देखते हैं तो लगता है कि कल की ही बात है, बट इसको हुए हुए हो गया 3-4 साल, क्योंकि ये 2020 में हुआ था, तो चौथा साल चल रहा है। लगता नहीं है, लगता है कल ही की बात है, हम गए थे जनेऊ करने और आ गए। यहाँ जब आते हैं तो ये जो शहनाई वाले होते हैं ना, वो पैसे लेते हैं, एंट्री नहीं देते रहते अंदर जाने का। तो इसको पैसे देने के बाद हम लोग फिर अंदर जाते हैं, अंदर भी फिर सुबह सुबह गीत होता है। गीत यहाँ पे कहीं लैपटॉप में होगा, सारे जो वीडियोस वगैरह थे, बट अभी ना मुझे मिला नहीं, तो मैंने सोचा फ़ोन खाली करने से पहले आप लोगों के साथ सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, तो फ़ोटो के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें ना पता चल जाती है। यहाँ गोलू अपना फ़ोन में देख रहा है शायद फ़ोटोज़ अच्छी आई कि नहीं आई। उसके बाद इसकी जो ये शाखा थी ना बहुत बड़ी थी, तो ये बंधवाता है उससे, मुन्नू से, साक्षी दीदी से। और ये हमारे गांव का घर है। आंगन में आने के बाद भी सारी लेडीज़ अपना लोकगीत जो होता है वो गाती रहती हैं। बहुत सारे बाबा के दादा के गीत होते हैं, सबका नाम लिया जाता है, जो हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी। और तेल सिंदूर जो रिचुअल है वो होता रहता है। इनमें से ना मैं आपको बताऊं, कुछ लोग हैं नहीं अब इस दुनिया में, ये बाबा भी नहीं है, ये गोलू के पापा के गुरुजी थे, वो भी नहीं रहे, जो नाना जी के साथ बैठे थे। और ये है हमारी चचिया सास, यानी कि काकी सासूमा। सभी लोग बैठे हुए इंतज़ार में कि बांस आएगा और फिर मंडप बनेगा, क्योंकि गोलू के हाथ से नाप के ही मड़वा बनाया जाता है। मंडप और मड़वा एक ही चीज़ है, वो बनाया जाएगा यहाँ पे। जब तक चाय पानी और खाना पानी चल रहा था, इस दिन भोज होता है, बट ये वाला भोज पूरे गांव को लेके नहीं होता है, हमारे टोला टोला का भोज होता है, और जितने कुनवा है ना हम लोगों का दयाद लोग, वो खाते हैं। तो वो सब चीज़ें भी चल रही थी। इधर देखिए बांस आ गया, और मेरे ख्याल से ये नाप चुका है गोलू, गोलू के हाथ से नापते हैं, और उसके बाद सबको काटा जाता है, बांधा जाएगा, जो भी होता है सारी चीज़ें वो करते हैं। और ये चीज़ के लिए ना अलग से मजदूर आते हैं जो इस काम को जानते हैं, उनको भी नेक वगैरह दिया जाता है, और वो लोग भी खुशी खुशी ये करते हैं रिचुअल। अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। अब तो आजकल ये है कि गांव जाके अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ये सारी चीज़ें विलुप्त होती जाएंगी, कोई जानेगा भी नहीं कि इस तरह से जनेऊ संस्कार होता था। अब तो क्या है कि कहीं पे भी जाके हरिद्वार वगैरह थोड़ा बहुत करवा लेते हैं, बट जो होता है रिचुअल ना हम लोगों का, वो 5 दिन का प्रोसेस होता है, जो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो पहला ही दिन है, बस कट्टी है, उसके बाद जो जो रिचुअल होगा सारा ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा,
और देखिए खाना भी बन रहा है साथ के साथ। सब लोगों का लंच होगा आज, लंच होता है, चाय वाय बनता रहता है। चाय तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी हंडिया सुबह से लेके शाम तक, रात तक चढ़ी रहती है। ये देखिए आगे आंगन में मंडप बनने के लिए, ये बड़े पापा हैं गोलू के, गोलू भी देख रहा है, मौसी देख रही है कि कितना ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आगे का भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ सारी शेयर करूँगी, वीडियोज़ फ़ोटो जो भी है, तो बने रहिए मेरे साथ।